नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सीवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जनसुनवाई के दौरान आशा उषा कार्यकर्ता अपनी वेतन संबंधी शिकायत लेकर पहुंची। उन्होंने लिखित तौर पर शिकायत करते हुए कहा कि उन्हें 7 माह से वेतन नहीं दिया गया। कभी वेतन में बजट न होने की वजह बताई जाती है तो कभी सर्वर डाउन होने की बात कहकर टाल दिया जाता है। रोज आजकल करके 7 महीने निकाल दिए गए, ऐसे में काम भी प्रभावित होता है, घर परिवार चलाना भी मुश्किल हो रहा है। जल्द से जल्द वेतन विसंगत दूर करने की मांग की गई। आशाओं को है ना 7 महीने से LTT का पेमेंट तो हो ही नहीं रहा है, मतलब जो परिवार नियोजन का जो पैसा आता वो नहीं मिला है, और इसके साथ साथ अप्रैल माह से कोई प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में आप अपने परिवार का लालन पालन कैसे कर रहे होंगे? अब वो तो चल रहा है, सारी सब परेशानी आ रही है कि हम ऑफिस जाते हैं बस ये बोल दिया जाता है 2 दिन में कर देंगे, 3 दिन में कर देंगे, हमेशा यही बोल दिया जाता है। लगभग आपके जो दिशा ब्लॉक में कितनी कार्यकर्ता होंगे? 26 आप किन किन को किन किन से आवेदन कर चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं? ऑफिस से भी कर चुके हैं, सी एम एच सर से कर चुके हैं, सिविल सर्जन सर से भी कर चुके हैं, डिप्टी कलेक्टर साहब को भी दे चुके हैं, आप कलेक्टर साहब के पास। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। संवाददाता राहुल रघुवंशी की रिपोर्ट।